हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कि भारत के जितने भी महत्वपूर्ण संगठन हैं उनके संस्थापक और उनका किस वर्ष में स्थापना हुई। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, यहाँ से एग्जाम में टॉपिक पे इस टॉपिक पे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो पहला है आत्मीय सभा, इसके हैं राजा राम मोहन राय और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1815 में। ब्रह्म समाज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राजा राम मोहन राय 1828 में इसकी स्थापना हुई थी। यंग बंगाल हेनरी डिरेजियो 1826 में इसकी स्थापना हुई थी। फ्रेंड्स ये सभी इंपॉर्टेंट है, बस आप एक बार अगर समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं दो बार वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम से संबंधित। ठीक है फ्रेंड्स, तत्वबोधिनी सभा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, देवेंद्र नाथ टैगोर, ये 1839 में इसकी स्थापना हुई थी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंग 1867। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट 1875। थियोफिजिकल सोसाइटी एच पी बुलासबस्की और कर्नल ऑलकॉट इसके संस्थापक थे, 1875 में हुई थी। रामकृष्ण मिशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्वामी विवेकानंद। सत्य सोजक समाज ज्योतिबा फुले 1873। विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर 1912। फॉरवर्ड ब्लॉक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुभाष चंद्र बोस 1939 में। स्वराज पार्टी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और ना जाने कितने एग्जामों में पूछा गया होगा ये स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू 1923। खुदमर खुदाई खिदमतगार, ये अब्दुल खान गफ्फार खान है 1930 में। तो होम रूल लीग ये एनी बेसेंट वेरी इंपॉर्टेंट, और इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस। आदि समाज देवेंद्र नाथ टैगोर 1866 में। हिंदू समाज हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय 1915 में। भारत संघ सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876 में। एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1784। सर्वेंट ऑफ इंडिया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना इसके बारे में कहूँ तो कम है, हर एग्ज़ाम में यूपीएससी से लेकर ग्रुप डी एग्ज़ाम में तक पूछा गया होगा ये। कदर पार्टी लाला हरदयाल, अभिनव भारत बी डी सावरकर 1904। मुस्लिम लीग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट 1906 में, सलीमुल्ला खान और आगा खान ने इसकी स्थापना की थी। खिलाफत आंदोलन अली बंधु इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। आज़ाद हिंद फौज 1942 में, रास बिहारी बोस। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण संगठन और सभाएं। इनमें से मैं आपको कुछ अगर थोड़ा डीप में अगर एग्जामिनर पूछे तो जो ये है ना, क्या कहते हैं, खुदाई खिदमतगार, ये मतलब अब्दुल खान गफ्फार खान की थी, और इनको सीमांत गांधी कहा जाता था, और ये पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न मिला हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या कहते हैं, सत्य सोधक समाज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या कहते हैं, अगर मैं इसकी खान अब्दुल खान गफ्फार खान की कुछ एक छोटी सी स्टोरी है अगर मैं आपको वो बताऊं, क्योंकि जब भारत और इंडिया का विभाजन हुआ था ना, क्या कहते हैं, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था ना, तो सबसे ज़्यादा रोने वाले यही थे खान अब्दुल खान गफ्फार खान, जो भी इनका नाम है, क्योंकि ये अपने इंडिया से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए इनको सीमांत गांधी कहा जाता था। लेकिन जब विभाजन हुआ ना, तो ये सबसे ज़्यादा रोए थे, और विभाजन होने के बाद इनको ये पाकिस्तान चले गए। ठीक है फ्रेंड, लेकिन फिर जब हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इनको इनवाइट किया था, तो फिर ये 20-25 साल के बाद इंडिया में आए जहाज से, और जैसे ये जहाज से उतरे ना फ्रेंड, तो इनके हाथ में एक पोटली थी, और उस पोटली में मिट्टी थी इंडिया की। तो काफ़ी बूढ़े हो गए थे उस टाइम, तो इंदिरा गांधी ने कहा इनको कि लाइए गफ्फार खान जी, ये पोटली मुझे दे दीजिए, आप बहुत बूढ़े हो गए हैं, तो मैं ये बोझ, ये पोटली मैं उठा लेती हूँ या मैं ले चलती हूँ। तो इन्होंने कहा था कि नहीं, इसमें मेरे देश भारत की मिट्टी है, और जहाँ भी मैं जाता हूँ इस भारत की मिट्टी को मैं हमेशा साथ लेकर, इस पोटली को हमेशा साथ लेकर जाता हूँ, क्योंकि ये मुझे याद दिलाती रहती है कि मैं कभी उस भारत का पार्ट हुआ करता था, कभी उसकी आज़ादी में मेरा रोल था, इतना प्यार करते थे ये हमारे देश की मिट्टी से। और जब विभाजन हुआ तो ये सबसे ज़्यादा रोए थे।
तो इन्होंने कहा कि मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, मैं अपने देश की मिट्टी का बोझ हमेशा उठाने के लिए तैयार हूँ और इसीलिए ये पोटली मैं अपने साथ ही रखता हूँ, ना मैं आपको दूंगा। इसमें मेरे देश की मिट्टी है जो मुझे इस देश की खुशबू और इस देश की प्रेरणा देती रहती है। ठीक है फ्रेंड, तो कुछ ये ऐसी छोटी सी स्टोरी थी। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप, ये बहुत महत्वपूर्ण सभाएं हैं जो एग्ज़ाम में बन ही जाती हैं। ये आप ये प्रार्थना समाज पता नहीं कितनी बार एग्ज़ाम में पूछी हुई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।